हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अपडेट्स में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हैदराबाद ने लगातार दूसरी जीत हासिल की, गुजरात को 8 विकेट से हरा, विलियमसन ने लगाए अर्धशतक। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद की ये सीज़न का लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात को पहली हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की डीवाई पटेल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 21वां मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात को 163 रन का लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की तरफ से कप्तान केन विलियमसन ने अर्धशतक 57 और अभिषेक शर्मा ने 42 रन बनाए। वही निकोलस पुरन 18 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात के 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई, लेकिन बाद में अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। अभिषेक 32 गेंदों में 42 रन बनाकर रसीद की गेंद पर आउट हुए। हालांकि दूसरे छोर से केन विलियमसन टिके रहे और 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 17वें ओवर में 46 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद निकोलस पुरन और एडन मार्कम ने मिलकर 14 गेंदों में 39 रनों की अटूट और मैच जिताव साझेदारी की। उनकी साझेदारी की बदौलत हैदराबाद ने 5 गेंदें शेष रहते हुए मैच अपने नाम कर लिया।